बिग बॉस सीजन 13 से जुड़ी हम हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं, लेकिन उसके साथ ही हम आपके लिए जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है टॉप 5 खबरों का, ये हर रात 8 बजे आपको एपिसोड से पहले ही वो अनसुनी बातें बता देता है जो शो से रिलेट करती है। जो खबर आपको कहीं और नहीं मिलती है वो सिर्फ आपको यही मिलती है। तो आज फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज की टॉप 5 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं खबरों के बारे में। तो बिग बॉस सीजन 13 से जुड़ी जो पहली खबर सामने आ रही है वो ये है कि बिग बॉस सीजन 13 के इस हफ्ते की नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जहां पर कैप्टन सिद्धार्थ शुक्ला ने रश्मि देसाई, आसिम रियाज, पारस छाबरा इनको नॉमिनेट किया है, तो वही हिंदुस्तानी भाव को नॉमिनेशन की प्रक्रिया में सेव किया है। नंबर 2, अरहान खान पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने फ्रॉड का केस किया है। अरहान खान की एक्स गर्लफ्रेंड होने का दावा कर रही अमृता दनाव ने कहा है कि अरहान खान जो अभी अमीर बनने का नाटक कर रहा है, उसने अभी तक मेरे 6,000 रुपए तक नहीं लौटाए हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ का एग्रीमेंट करके एक साथ रह रहे थे। ये जो कुछ भी कर रहा है झूठ बोल रहा है और रश्मि का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में पुलिस को सारे सबूत दे दिए हैं और अरहान के खिलाफ केस दर्ज किया है फ्रॉड का। नंबर 3, विशाल आदित्य सिंह और महेश शर्मा दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जैसे इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि ये घर का नया कपल है। इन दोनों के बीच का रोमांस अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। दोनों एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हैं। नंबर 4, पारस छाबरा शेफाली जरीवाला से अक्सर पंगा लेते हुए नजर आते हैं और एक दफा उन्होंने शेफाली को बुढ़ी कहा था और इस पर अब पराग त्यागी शेफाली जरीवाला के हस्बैंड का स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा कि पारस छाबरा को अहंकार आ गया है। पराग त्यागी ने कहा कि मेरी वाइफ सिर्फ 34 साल की है और पारस 31 साल का है, वो सिर्फ उससे 3 साल छोटा है, वो उसे बुढ़ी कैसे बोल सकता है। पराग ने कहा, जहाँ बात मेरी बीवी की आएगी तो मैं सामने वाले को उनकी जगह अच्छे से दिखाऊंगा। पारस एक नाले का कीड़ा है, जिस तरीके से पारस ने शेफाली को ट्रीट किया है वैसे कोई नहीं कर सकता। सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच में तो अक्सर लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। एक बार फिर से चाय की पत्ती को लेकर झगड़ा हो गया। सिद्धार्थ कहते हुए नजर आए कि तुम अपने घर से नहीं लेके आए हो इसे, जो इस पर इस तरीके से हक जमा रहे हो। तो वहीं सिद्धार्थ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब इस घर में चाय बनेगी ही नहीं, वरना मैं इस चाय की पत्ती को ही फेंक दूंगा। माहौल काफी ज्यादा गर्मा जाता है और इन दोनों के बीच का झगड़ा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें, जहां पर आपको एपिसोड आने से पहले ये पता चल जाता है कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होगा। इसके अलावा आपको वो भी खबरें पता चलती है जो आपको कहीं और नहीं मिलती है, फिर चाहे वो सीजन के कंटेस्ट से जुड़ी हो, चाहे वीकेंड का वार की लाइव अपडेट्स हो, या फिर मेकर से जुड़ी कुछ और खबरें। आपको ये सारी खबरें इन टॉप 5 न्यूज़ में रात 8 बजे हर रोज देखने को मिलती है। तो इसी तरह से इन टॉप 5 खबरों के लिए, हाइलाइट्स के लिए और भी कई चटपटी मसालेदार खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।